Assalamu alaikum, dear viewer. My name is Mulchan, and today we are going to start a very important series of chemistry. And uh, today uh, we will discuss very important questions which are very helpful for the Public Service Commission, Federal Public Service Commission, lecturer as well, and uh, various other exams. And uh, these questions are very important for the pre medical test. So लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर टुडे और क्वेश्चन नंबर वन इज द जनरल फार्मूला फॉर अल्केन इज़। अल्केन का जो जनरल फार्मूला है वो क्या है तो अब ऑप्शन हमारे पास चार हैं ए ऑप्शन है सी एन एच टू एन बीम है सी एन एच टू एन प्लस टू सी है सी एन एच टू एन माइनस टू और डी जो है सी एन एच सी एन एच टू एन माइनस वन तो अब हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी एन एच टू एन प्लस टू तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास जो है वो है जस्ट वेट ओके सो हमारे पास क्वेश्चन नंबर वन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी क्वेश्चन नंबर वन का जो हमारे पास ऑप्शन है वो है बी बी इस करेक्ट वन मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ द जनरल फार्मूला फॉर अल्कीन इज अब अल्कीन जो है उसके लिए जनरल फार्मूला क्या है तो फैमिली हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अल्केन अल्कीन अल्काइन उसका हम सारा डिटेल्स पढ़ेंगे नेक्स्ट जो वीडियो होगा हमारा उसका सफेद प्रीफैक्स और सारी इसकी प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे इस आज जो है हम उसकी जो है जनरल ओवरव्यू लेंगे इसका ये जो फैमिलीज है उसका ठीक है तो आप नेक्स्ट वीडियो में वो आप सीख सकते हैं तो चले देखते हैं द जनरल फार्मूला फॉर अल्किन इज अल्किन का जो जनरल फार्मूला है वो सी एन टू एन b में cnh2n+2 c में cnh2n-2 d में cnh2n-1 तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है e cnh2n सो इज करेक्ट वन ओके नाउ मूव करते क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ तो डियर व्यूअर्स अब जो हमने ये हमने जो सीरीज स्टार्ट की वे बहुत है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी प्री एंट्री इंटरव्यूज के वाले से या दूसरी जो एग्जाम होंगे उसके वाले से तो आपको काइंडली रिक्वेस्ट है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें उसको अपने दोस्तों तक शेयर भी करें ताकि उनको भी ये बेनिफिट हो चलें देखते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री के तरफ द जनरल फार्मूला फॉर अल्काइन इज़ अल्काइन के लिए जो जनरल फार्मूला है वो क्या है ऑप्शन सेम है हमारे पास सी एन एस टू एन बी में सी एन एस टू एन प्लस टू सी में सी एन टू एन माइनस टू और डी में सी एन तो हमारे पास जो ऑप्शन सही है वो उसका है सी तो इसका जो करेक्ट फार्मूला है वो है सी एन एस टू एन माइनस टू दिस इज द जनरल फार्मूला फॉर द दल एंड अलकाइन इज द थर्ड फैमिली सो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ नाउ क्वेश्चन मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ द जनरल फार्मूला फॉर अल्काइल रेडिकल इज अल्काइल रेडिकल जो है उसके लिए जनरल फॉर्मूला क्या है सी तो ऑप्शन हमारे पास सी एन एच टू एन बी में सी एन एच टू एन प्लस टू सी में सी एन एच टू एन माइनस टू और डी में सी एन एच टू एन माइनस वन तो अलका जो रेडिकल है उसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है सी एन एच टू एन प्लस वन प्लस वन ये जो है वो प्लस वन है तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है डी मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ द प्रीफैक्स हेप्टा स्टैंड फॉर डेज कार्बन एटम अब हेप्टेन जो होता है वो किसके लिए इस्तेमाल होता है हेप्टा हमने पढ़ा है कि मीथेन इथेन प्रोपेन मीथेन मींस कार्बन एक इथेन मीन्स कार्बन टू मीथेन इथेन फिर प्रोपेन मीथेन इथेन अब ये हमारे पास मीथेन ये हमारे पास है इथेन 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 और फिर हमारे पास है मीथेन इथेन ये है प्रोपेन, प्रोपेन 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 के बाद है ब्यूटेन सी फोर और फिर देखते हैं हम ब्यूटेन हो गया ब्यूटेन के बाद हमारे पास है पेंटेन C5H12। सी फाइव एच के बाद है हमारे पास हैगजन सी सिक्स एच फोर्टीन के बाद है हमारे पास हैगजन के बाद हमारे पास है सी सेवन एच सिक्सटीन तो यहाँ पे पूछ रहा है कि जो हेप्टा है वो किसके लिए स्टैंड होता है तो हम कहेंगे हेप्टेन मीन सेवन नंबर कार्बन नंबर ऑफ कार्बन सेवन तो हमारे पास जो ऑप्शन है वो है डी हेप्टा हेप्टेन हेप्टा हेप्टेन के बाद ऑक्टे नॉन एन तो हमारे पास जो हेप्टा प्रीफेक्स स्टैंड होता है वो कार्बन नंबर सेवन के लिए इस्तेमाल होता है मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ पोलीइथाइलीन या पोली, पोली इथिन इज डेश पोलीथिन क्या है आयल है प्लास्टिक है पेपर है वुड है तो इसका जो सही जवाब है वो पोली इथीन जो है वो है प्लास्टिक जो भी हमारे प्लास्टिक की चीजें बनी होती हैं वो होती है पोलीइथेन की बनी होती हैं तो हमारे पास जो ऑप्शन जो करेक्ट है वो है बी करेक्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन की तरफ नाउ द क्वेश्चन नंबर सेवन द एसिटिक एसिड इज एसिटिक एसिड जो है वो हम हासिल करते हैं वो किससे करते हैं बनाना से करते हैं डेट से करते हैं गॉर्लिक से करते हैं या वेनीगर से करते हैं तो एसिटिक एसिड acid जो है तेजाब है वीक एसिड है उसको हम ऑपटेन करते हैं वेनीगर से तो ऑप्शन नंबर हमारा जो डी है वो करेक्ट है नाउ मूव क्वेश्चन नंबर एड की तरफ क्वेश्चन नंबर एट सी एच थ्री बॉन्ड सी एच टू इज रेडिकल अब सी एच थ्री ये जो रेडिकल है वो होता है मिथाइल के लिए इस मिथाइल के लिए और C2 सॉरी C3 H2 एच ये होता है इथाइल के लिए तो ऑप्शन देखते हैं इसमें हमारा कौन सा है बी तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन तो ये जो होता है सी एच थ्री सी एच टू ये होता है ये जो होता है वो होता है इथर के लिए तो ऑप्शन नंबर बीस करेक्ट वन मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ वाइटल फोर्स थ्योरी बॉस इंट्रोड्यूस्ड बाय वाइटल फोर्स थ्योरी किसने दी थी तो वो दी थी आ, ब्रिजलेस ने दी थी या वोलर ने दी थी या लोस ने दी थी या आरएनएस ने दी थी अब जो इसमें ऑप्शन ए है ब्रजलिस इसने ये दी थे वाइटल फोर्स थ्योरी वाइटल फोर्स थ्योरी का कॉन्सेप्ट ये था कि जो भी ऑर्गेनिक चीज़ है वो ऑर्गेनिक चीज़ से जो लिविंग थिंग से पैदा होती है पहले ज़माने में क्या होते थे कि प्लांट होते थे या ऑर्गेनिक चीज़ ऐसी होती थी या लिविंग थिंग ऐसी होती थी उससे हम ऑर्गेनिक चीज़ें बनाते थे मिसाल के तौर पर काफ़ी वक्त पहले पुरानी बात है वहाँ क्या होते थे एक लेटिक्स लेटिक्स टिक्स लेटिक्स एक प्लांट था जिस जिसका जो जिसका सेप या रस जो निकलता था उससे हम रबड़ बनाते थे लेकिन अभी हमारे यहाँ लेबॉट्री में अब हम लेबॉर्ट्री में ये प्लास्टिक रबड़ वगैरह बना रहे हैं तो वाइटल फोर्स थ्योरी का कॉन्सेप्ट यह था कि आर्गेनिक जो चीज़ है वो लिविंग जो सोर्स है उससे ऑब्टेन की जाती है और जो तो इसका जो ऑप्शन हमारे पास है वो है ऑप्शन जो हमारे पास करेक्ट है वो ए सही है और वूलर फ्रेंड रिच इसका नाम है पूरा उसने वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट किया था उसको भी नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उसने लेबॉर्टरी में तजर्बा किया था अमोनियम साइनेट सट से यूरिया बनाया था वो कैसे बनाया था हम नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे उसके बाद लोइस एसिड बेस थ्यूरी जो दी थी उसके बाद आर एन एस आर एन एस ने कहा था कि जो आयोनाइज आयोनाइेशन होती है एसिड बेस की उस पर उसने थ्यूरी दी थी आयोनाइेशन थ्यूरी तो मूव करते हैं वाइटल फोर्स थ्यूरी जो है वो इंट्रोड्यूस की थी वह ब्रेजिलियस ने की थी तो मूव करते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ अल्किन हैव बाड जो अल्किन होता है उसके पास कौन सा बॉन्ड होता है आप देखें जो अल्केन होता है अलकेन अल अलकेन ठीक है अलकेन अल्केन होता है उसके पास जो बाड होता है सिंगल ठीक है उसके बाद जो होता है अल्किन अल्किन जो होता है अल्किन अल्किन फिक्स इन अल्किन अल्किन जो होता है वो होता है डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड हाइड्रोकार्बन होता है ठीक है और अल्काइन होता है वो अल्काइन जो होता है वो होता है ट्रिपल ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड तो यहां पे पूछा जा रहा है अल्किन अल्किन का जो बॉन्ड होता है वो डबल तो हम ऑप्शन देखते हैं कौन सा है ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन मूव करते हैं अच्छा उसके बाद हम इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे सचोरेटेड अनसेड वो नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे तो आप वो जरूर स्लाइड देखना आ, देखना मत भूलिएगा चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर इलेवन की तरफ इट इज अ की एलिमेंट इन ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा जो एलिमेंट है उसको हम की एलिमेंट कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का तो वो है कारमान क्योंकि कार्बन की स्टडी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्टडी हाइड्रोकार्बन स्टडी ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए एलिमेंट जो कार्बन है वो है, है. नबर, की फैक्टर है की एलिमेंट है मॉलिक्यूलर फार्मूला फॉर ब्यूटेन इज अब मैंने आपको बताया था कि मीथेन कार्बन नंबर एक मीथेन इथेन कार्बन मीथेन ये मीथेन हो गया ठीक है उसके बाद ये हो गया हमारा इथेन सी सॉरी जस्ट वेट अब हमारे पास मीथेन इथेन हो गया सी टू सी टू एच सिक्स और मीथेन इथेन प्रोपेन हो गया ये हमारे पास एच एट और ब्यूटेन सी फोर एच टेन ठीक है तो अब ये हमारे पास हो गया ऑप्शन नंबर बी सी फोर एच टेन तो मालिकुलर फार्मूला ब्यूटेन का है वो सी फोर एच टेन है और ये है प्रोपेन ये है पेंटेन और ये है हेक्सेन है हेक्सेन मीस कार्बन नंबर और हेप्टेन मिस कार्बन नंबर फाइव और प्रोपेन मिस कार्बन नंबर थ्री मूव करते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ वन लेस रिएक्टिव से कौन सा है जो लेस रिएक्टिव तो इसमें होता है, वो होता है. उसको हम कैसे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में रिएक्टिविटी क्या होती है और वो कैसे रिएक्शन करते हैं उसको हम नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे मूव uh, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन नंबर फोर्टीन हमारे पास लास्ट जो है हमारा है वो है जनरल फार्मूला फॉर ईथर इज सी एन एन बीमेस वन सी में सी एन एस टू एन डी में सी एन एच टू एन प्लस टू तो ये जो है सी एन एस टू एन प्लस टू ओ यह जो फार्मूला है वो है ईथर का तो आज के लिए इतना ही काफ़ी और नेक्स्ट स्लाइड में हम इन इससे और मजे सीखेंगे थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि जो हमने सीरीज स्टार्ट की हुई आपको नंबर से आपको पूरा समझ में आ जाए ताकि आपके लिए हेल्पफुल हो थैंक यू लल्ला हाफिज़